श्रोमणी अकाली दल विच हलका जंडियाला गुरु तो ते मजीठे नाल संबंधित तरसिका ब्लॉक समिति दे चेयरपर्सन बीबी परमजीत कौर जी वो कांग्रेस पार्टी नू छड्ड के अज श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो रहे हैं। मैं समझदा है कि श्रोमणी अकाली दल में जिहड़े अज अज परिवार वड्डी गिणती में शामिल हो रहे हैं उहदे च वाइस प्रधान डिस्ट्रिक्ट एससी मोर्चा गुरदासपुर के साबका सरपंच दो दवान सत्कारयोग बीबी बीबी भगत जी भगवान दास जी जिहड़े मैंबर एग्जैक्टिव भी रहे हैं और इस तरह नंगली पिंड तो मनदीप सिंह परमजीत सिंह रणजीत सिंह बलदेव सिंह बलविंदर सिंह मनजीत कौर रणजीत कौर बलजीत कौर राजविंदर कौर गुरमुख सिंह सरनैल सिंह ये सारी लगभग कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को छड़ के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल दियां गहराइयां चो इन्हां नूं जीआयां नूं कहिंदा इन्हां नूं धन्नवाद करदा है और ये ज्वाइनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अज तो कुछ समा पहला तरसिके और बाकी ब्लॉक समिति दीआं चोणां होईआं सन और उस वेले भी कांग्रेस ने आप दी जोर अजमाई नाल एक चेयरमैन तरसिका आप दी बनाई सी और जिहड़े ये जॉइन कीते है सत्कारयोग बीबी जी परमजीत कौर जी पीपीसीसी दे जिहड़े एक्टिंग प्रधान ने डैनी जी उन्होंने हल्के संबंधित है उन्होंने चेयरपर्सन ने और जो पीपीसीसी के प्रधान कोई नवनियुक्त होया हुकमरान की सरकार होवे और उन्होंने हल्के संबंधित चेयरपर्सन उन्होंने इलैक्शन तो 5-6 महीने पहला छड़ दे इस तो बड़ा साफ संकेत है कि आने वाले हालात कांग्रेस पार्टी लिए किहे जे बनणगे। और मैं एक गल दी तां इह बीबी जी उन्हां नूं वधाई दिंदा कि इन्हां ने तां आपदा फैसला असूलन कर लिया मगर बड़े हैरानगी दी गल है कि जिहड़े कुछ वजीर ने चार इहे जे पंजाब सरकार च मैं कह सकदा लफ्ज़ वरतने तां नहीं चाहीदे मगर झटकी भाषा च जे कह दिया अहुदे दी भुख ते ढीठपणा हद तो वध वेखण नूं मिल रहा है कि जे थोनू आपदे मुख्यमंत्री ते भरोसा नहीं रह गया ते तुसी तां आपदा ओहदा छड्डदे नहीं मगर एक ब्लॉक समिति की एक लेडी होण दे नाते तुसी ओहदा दृढ़ इरादा वेखो और मैनू पता अज तो बाद ओहते दबाव भी बड़ा पैणा कि जी ये तां एवें अकाली धक्के नाल इन्हां ने फैसला करा दिया कुछ करा दिया आपकी मर्जी नाल इत्थे आके बैठे आ क्योंकि सरकारां बहुत कुछ करदियां ने मगर मैं समझदा उन्हां वजीरां नूं कुछ सिखण दी लोड़ है कि तुसी एडा ढीठपुणा ना विखाओ जे थोनू इफ यू लॉस्ट फेथ इन योर चीफ मिनिस्टर फिर थोनू अस्तीफा दे देना चाहीदा और अस्तीफा दे के जो असी श्रोमणी अकाली दल ने विधान सभा च गल उठाई सी कि वोटिंग होवे क्योंकि कांग्रेस तीन हिस्से च वंडी गई है एक तो कांग्रेस ठोकोताली ग्रुप बन गया एक कांग्रेस अमरिंदर सिंह की बनी पई है और एक कांग्रेस इंदिरा जिन्हों ये नहीं समझ आती कि मैं ठोकोताली नाल वसना कि मैं कप्तान नाल वसना वो बेचारे कदे सवेरे पता लगता है इनू खड़े होंगे दोपहर में पता लगता उन्होंने खड़े हो जाते हैं। इन्हां हालातों च पंजाब दे लोकां दा पंजाब दे मुद्दियां दा की बनना और कल तुसी वेखो बड़े जिथे मैं वधाई देना चाहुंदा साडे किसान लीडरशिप नूं किसानां नूं कि ठाठा मारदा कट्ठ उन्हां ने मुजफ्फरनगर च कीता और मैं समझदा कि इह दिल्ली दी सेंट्रल लीडरशिप नूं जिहड़ी सेंट्रल सरकार है भाजपा की लीडरशिप है उन्होंने एक साफ तरीके नाल एक रेड फ्लैग है कि जे किसानां दी देश दे अन्नदाता दी नहीं सुनोगे तो लखां करोड़ां दे कट होने हैं और ये लोगों ने थोनू कदे माफ नहीं करना।
और मेरी अज अपील है सारी पोलिटिकल पार्टीज नूं कि हुण पॉलिटिक्स तों उत्ते उठ के एक दूजे ते जाके किसान झंडिया थले विरोध करन दी थां जिस तरीके की एक जुटता पंजाब दे दुनिया भर के किसानों ने विखाई है ऑल पोलिटिकल पार्टीज नीड टू कम टूगैदर और उही सबूत जो मुजफ्फरनगर च किसानों ने दिता वह जहाँ सबूत कट्ठे होके एक झंडे थले कट्ठे होके किसानी मुद्दे ते कट्ठे होके जय जवान जय किसान दे उस नारे थले कट्ठे होके अज देश दे अन्नदाता दी लड़ाई लड़न दा समा आया और मैं आस करदा उम्मीद करदा दैट सारी पंजाब दी पोलिटिकल पार्टीज ए पंजाब दा माहौल खराब करन दी जगह पंजाब के बॉर्डर स्टेट दे हालात वगाड़न दी जगह एक जगह ते एक मंच ते कट्ठे होके किसानी मुद्दियां ते कट्ठे होके लड़ाई लड़न दा मन बनाउणगे। इसलिए मैं एक बार फिर श्रोमणी अकाली दल विच जिहड़े ये परिवार शामिल होए आ चाहे दीनानगर हल्के तो चाहे जंडियाला गुरु हल्के तो ते चाहे वो होर हल्कियां तो जिहड़े अज जॉइन कीते मैं उन्होंने दिल दीआं गहराइयां च उन्होंने जी आया कहना उन्हों का धन्यवाद करता जे कोई सवाल है तो तुम मैनू पूछ सकते हो जी फिर ऐसे नहीं क्वेश्चन प्रोग्राम इसलिए हले आप दे रोके है क्योंकि असी नहीं चाहते कि जेडे माड़े अंशर इच बड़े है विच मैं उन्होंने किसान नहीं कह सकता क्योंकि किसान तो शांतमई है किसानों ने शांतमई आपदी अंदोलन असी वेख रहे हैं पिछले 9-10 महीने के दिल्ली के बॉर्डर से बह के वह चला रहे हैं लड़ाई दिल्ली के सरकार नाल है मगर जो सियासी पार्टी का जिस तरीके विरोध करना और मैं तो फोटो भी जनतक कीतिया ने कि लोग ने जिहड़ा जिन्हों मैं जॉइन जद करवाउण जाना श्री हरगोबिंदपुर साहब जब मैं गया सी मैं सिटिंग काउंसलर जिन्हां नूं हुण कांग्रेस ने टिकट दित्ती सी उन्हां दे चार सिटिंग काउंसलर जॉइन कराउण गया सी जिन्हूं उह प्रधान बनाउणा चाहुंदे सी जिहड़ा 3 वारी उत्थों दा प्रधान रिहा और विद फोटोग्राफिक एविडेंस इह गल स्पष्ट कीती कि किसानां ने मेरे नाल गल कीती उह मेरी गल नाल दलील सुण के उन्हां ने आप दा रस्ता खाली करन नूं कहा मगर कुछ लोग सन जिहड़े कांग्रेस MLA दे भेजे सर जेडे चाहते नहीं सी कि ये कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के अकाली दल में शामिल होण उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की और मैं उही अपील की है कि जे माहौल खराब जिस तरह कर रहे हो पंजाब च बहुत वड्डी गिनती शहरां च रहिंदी है बॉर्डर का एरिया वो इस मुद्दे ते चिंतित ने सानू पंजाब दे भले की गल करनी चाहिए किसानी दे भले की गल करनी चाहिए और यह जी किसी साजिश का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो सेंटर लीडरशिप सेंटर सरकार की साजिश है कि यह शो कर दें कि पंजाब चेता जी ग्रनेड की रिकवरी बढ़ी है टिफन बॉक्स की रिकवरी बढ़ी है ड्रोन की रिकवरी बढ़ी है माहौल खराब है इसलिए इतने राष्ट्रपति राज लग जाए। आई थिंक एज रिस्पोंसिबल पीपल वी ऑल नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस और तदे मैं कहना कि पोलिटिकल पार्टीज नीड टू कम टूगैदर जे असी मुद्दे प्रति आपकी संवेदनशील है और जो कल कट होया मुजफ्फरनगर च मैं समझना जब ये देश भर दियां किसान जथेबंदियां वख वख सूबियां चों आके छतरी थले इकट्ठी हुई ने सूबे साडे देश की पोलिटिकल पार्टियां नूं भी कुछ सबक सीख के वह रस्ता फॉलो करन दी लोड़ है और शांति बनाए रखना सब तो जरूरी गल हरियाणे दे मुख्यमंत्री साहब नूं एक गल पुछ लियो करनाल गया नूं किन्ना समा हो गया थोड़ा हैलीकाप्टर तां लत्तदा नहीं करनाल थोड़ा हैलीकाप्टर तां हरियाणे दे किसे सूबे च पिछले लंबे समय तो नहीं लत्या और जे किसान थोड़े हक च ने फिर उस तरीके नाल किसानां नूं कुट्टण दी लोड़ नहीं पैनी सी और मैं अज दुष्यंत चौटाला जी नूं भी पुछदा है कि तुसी कहा कि SDM ते एक्शन होना चाहिदा जिन्हें वो आर्डर किए कि सिर फोड़ते जान किसानां दे ते अज तक एक्शन क्यों नहीं होया लिप सर्विस नहीं चलूगी एक्शन इज नीडेड बराबर टक्कर लवांगे आपां
उमर च भी बुजुर्ग ने किसी भी धी भैन बारे जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने वरती है उन्होंने माफी मंगनी चाहिए और यह गलत है जी मैं उसे ठीक नहीं समझ सर, आम आदमी पार्टी ने यह इल्जाम लगाया कि जी कानून व्यवस्था की तुम भी गल की कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बुरी तरह प्रभावित है पर नाल दी नाल एक तो उन्होंने कहा कि कैप्टन को अस्तीफा देना चाहिए पर नाल अकाली दल बादल ने भी उन्होंने इल्जाम लाया कि जो कुछ अकाली सरकार वेले हो रहा सेम कंडीशन जी अब पंजाब की। देखो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की बी टीम है इल्जाम लाने तो पहला उन्होंने ये पूछो कि थोड़े 7 MLA गए किधर ने और कईयों तुसी भेज के वापस भी ले आए हो थोड़ा जेड़ा कांग्रेस नाल रोमांस है वह तो मुक नहीं रहा इसलिए तुसी ते कांग्रेस रल के खेड़दे हो मैनू तो हैरानगी हुई आ सैशन सी मैं वोटां दी मंग कीती ते आप आदमी पार्टी चुप करके बैठी रही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की मदद करनी सी और उस गवर्नर साहब नाल लीडर ऑफ आपोजिशन स्टेज शेयर कर रहे हैं जेडे बिल रोकी बैठे हैं क्यों नहीं सवाल रखे लोगों के जे एक दिन का सैशन है तुसी 416 प्रकाश पुरब की गल 100 बारी करो मगर नाल ही आपदा किसानी के जेडे अंदोलन च बैठे है वह भी तो हक सच की लड़ाई लड़ रहे वह भी गुरु के दसे हुए रस्ते से पैरा दे रहे शांतमई तरीके तो 600 तो वध शहादत दे गए हैं तो जे गल ही गुरु साहब की हो रही है तो फिर उस किसान की भी गल होनी चाहिए जिसनों खेती नू सब तो उत्तम धंधा गुरु साहब ने दसिया समत बख्शी है सर। सर यूपीए सर चडूनी ने विच सर चडूनी जी ने कहा यूपी इलेक्शन दे विच किसानां नू इकट्ठे हो जाओ ते यूपी दे विच शिकस्त दिओ कि तुसीं समझदे हो कि यूपी विच किसान इकट्ठे होके काम कर सकदे यूपी देखो देश दे किसान किथे भी इकट्ठे हो गए सब नू शिकस्त दे देणगे और किसानां नू क्योंकि बड़ा लंबा समा चाहे वह कांग्रेस की सरकार सी और चाहे वह मौजूदा भाजपा की सरकार है जिन्होंने बार बार कहा कि असी किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे दुगनी का की करनी है किसानों के हर इनपुट प्राइस के भाव वधे है उस हिसाब न फसलों के भाव नहीं वधे और जिनी कमाई अज डीजल पेट्रोल तो वैट के टैक्स के रूप से सूबे के केंद्र की सरकार कर रही है उस तरीके की कमाई तो कदे पहले वेखन नहीं मिली है लखा करोड़ रुपया कमा गए तो बोझ पाउण की जगह मदद तक कोई कर नहीं श्रोमणी अकाली दल ने सारे किसानी संबंधित जिन्हें भी ऐलान किसान की लीडरशिप ने या संयुक्त मोर्चे ने किए असी हमेशा उसका साथ दिता है क्योंकि असी महसूस करते हैं कि तिने काले कानून रद्द होने चाहिए और किसानों की बड़ी वाजिब मंगा ने सुनिया जानी चाहिए और मैं वरुण गांधी जी के कल के बयान का स्वागत करता देखो मेरा वोटा मंगने का कारण भी यह मैनू भी पता साड़ी गिनती घट है और मैं यही गल कही सी विधानसभा के इजलास तो पहला कही सी कि कुछ वजीरा ने चार वजीरा ने कहा कि सानू सीएम ते भरोसा नहीं है जे थोनू भरोसा नहीं फिर ढीठा मांगू उत्थे क्यों बैठे हो और जे थोनू भरोसा नहीं तो तुसी सीएम नू चिट्ठी क्यों लिख रहे हो कि बटाले नू जिला बनाता जावे जे थोनू भरोसा ही नहीं उस मुख्यमंत्री ते फिर तुसी लोकां दी अखां च घटा ना पाओ या तुसी लोकां दी अखां च घटा पाउने या तुसी आप लोकां दे मुद्दे ते सीरियस और मेरा यही काम सी कि जे ठोको ताली कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लियाऊगी असी वोटां दी मांग कीती कि इन्हां दा चेहरा नंगा हो जूगा कि यह रल के खेड रहे फिक्स्ड मैच खेड रहे कि लोगों के मुद्दे से संवेदनशील है स्पष्ट हो गया कि लोगों के मुद्दे उन्हां लई कोई मुद्दे नहीं इह तां कल्ला कुर्सी की लड़ाई है वह मैं चेहरा नंगा करना सी उहदे च असी कामयाब होए।